माननीय विधायक महोदय, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, अध्यापकगण, छात्र, स्पोर्ट्स पर्सन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया के सभी साथी, आप सबका इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उन्होंने रेलवे को यातायात के साधन से बढ़कर जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना है। रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम माना है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की सोच का साक्षी है। इस वर्ष देश के हर राज्य को प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड रेल बजट का आवंटन किया है। पिछले 9 वर्षों में रेलवे को आवंटित राशि करीब 9 गुना बढ़कर इस साल 2,40,000 करोड़ रुपए की गई। प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट फोकस रहा है सेफ्टी, उत्तम पैसेंजर एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग। चाहे जम्मू कश्मीर में आज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बन रहा हो, कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो बनने का काम हो, देश में चल रही 50 वंदे भारत सर्विसेज का काम हो, या फिर तेजी से बन रहे मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब प्रोजेक्ट्स की देश भर में चर्चा है। इसी कड़ी में अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना भी 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के संकल्प से बंधी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन था कि स्टेशन का डिजाइन ऐसा बने जो अगले 50 वर्षों की जरूरतों के लिए उपयुक्त हो। ऐसे वर्ल्ड क्लास डिजाइन पे काम करके आज 508 स्टेशन